सुना कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की जो लड़ाई शुरू हुई, दरअसल वो अलग अलग मोड़ पर अलग अलग तस्वीरें पेश कर रही है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो दूसरी ओर कंगना रनौत को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की तलखी भी सबके सामने आ गई है। शिवसेना कंगना रनौत को लेकर हमलावर है, उन्हें मुंबई में ना घुसने देने की धमकी दे रही। तो दूसरी तरफ कंगना आज मनाली से मंडी के लिए रवाना हुई, मंडी में उनके माता पिता रहते हैं और कल कंगना मुंबई पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही विवाद तेज है। अब कंगना रनौत पर लगे ड्रग्स अब्यूज के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार जांच करवाने की तैयारी है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही विवाद तेज है। महाराष्ट्र सरकार कंगना के ड्रग्स लेने की जांच करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर ठाणे में शिवसेना के आईटी सेल ने राजद्रोह की शिकायत की है और मुंबई में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण का नोटिस चिपका कर जवाब मांगा है। सवाल ये है कि सुशांत की न्याय की लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को समझिए। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। अध्ययन ने कंगना पर आरोप लगाया, एक पार्टी में कंगना ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा, बाद में कार में भी उन्हें पीटा। जब अध्ययन ने उन्हें घर छोड़ा तब भी उनके साथ अभद्रता की, उनका फोन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस पर जांच का भरोसा दिया है। कंगना रनौत जो है उसके तालुकात या संबंध जो भी है शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। महाराष्ट्र सरकार जांच की तैयारी में है, तो दूसरी ओर कंगना ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। कंगना ने कहा, मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस उपकार से बहुत खुश हूं। कृपया मेरा टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आपसे मिलने का इंतजार है। जाहिर है विवाद गहरा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुशांत के न्याय के लिए शुरू हुई लड़ाई इस मोड़ पर क्यों खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत मामले की बात की जाए तो एनसीबी, सीबीआई और ईडी तीनों इसकी जांच कर रहे हैं। हम आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।